दिशा दर्शक कौन है, वो कठिनों की बता रहे हैं। पानी में चलने वाला जहाज भी और हवाई जहाज भी बिना सौभाग्य के हमेशा हमारे यहां पर इस प्रकार के दिशा दर्शक जीते जाते हुए सावरकर इस देश के दिशा दर्शक नहीं, क्या लोकमान्य तिलक नहीं, क्या महात्मा गांधी नहीं, क्या डॉक्टर नैयर जी नहीं, हमारे सौभाग्य है उनके विचारों को और उनकी दिशा को समझने की क्षमता हम सबके अंदर आनी चाहिए। विश्व के बारे में एक प्रसंग में आनंदित विश्व है, एक बार में सिलेक्टिव नहीं होता है, ये ठीक है, प्रतिशत भी नहीं होता है, देश हमको ये देता है कि हम सबके काम के मनुष्य ने पूर्वजों ने कहा होगा उसका देश से तो आर की परिभाषा अगर श्रेष्ठ जन ये कही हुई होगी कि व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहिए तो कुलवंतो विश्वमार्यम इस सांप्रदायिक कल्पना है और इसलिए आवश्यकता रहती है कि विश्व। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। हम समझाते हैं कि देश भर के अंदर कोरोना महामारी के चलते और प्रत्यक्ष रूप से हम फिजिकल रूप से उस राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं जा पाए, इसलिए इस बार जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वो स्मृति मंदिर परिसर नागपुर में सम्पन्न हो रहा है और उसमें विद्यार्थी परिषद ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से और देश भर से विद्यार्थी कार्यकर्ता उस अधिवेशन में जुड़ रहे हैं। ऐसा लगभग देश भर के अंदर और प्रत्यक्ष रूप से जब अधिवेशन होता है तो उसमें संख्या कम से कम 6-7 हज़ार के आसपास रहती है, लेकिन इस बार विद्यार्थी परिषद का जो अधिवेशन हो रहा है उसके माध्यम से कम 1 लाख के आसपास देश भर के अंदर विद्यार्थी और सीधा ऑनलाइन अधिवेशन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। अभी नागपुर में चल रहा है 25 और 26 दिसंबर और उसमें संघ के माननीय सर कार्यवाह भैया जी जोशी उद्घाटन में मुख्य अतिथि हैं और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भाई जी और राष्ट्रीय महामंत्री निधि जी त्रिपाठी भी उस कार्यक्रम में हैं। आज मुख्य अतिथि कौन है? यहाँ विद्यार्थी परिषद का जो महानगर की तरफ से जो अधिवेशन हो रहा है यहाँ पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपने बीकानेर महानगर में और मेयर महापौर सुशीला जी राजपुरोहित और संघ के विभाग प्रचारक प्रशांत जी आज़ाद और यहाँ के शिव जी प्रजापत जिला के उपाध्यक्ष हैं। ऐसे और बाकी तमाम कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के हैं कार्यक्रम के अंदर। अभी 3 बजे उद्घाटन सत्र हुआ था और शाम को 7 बजे तक उद्घाटन चलेगा और उद्घाटन सत्र से लेकर अब तक क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे? उद्घाटन सिर्फ यहाँ पर दीप प्रज्वलन और विद्यार्थी परिषद का यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। जो राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है वैसा का वैसा कार्यक्रम हमने यहाँ महानगर स्तर पर भी किया है और उसके बाद अतिथियों का स्वागत और करके और अब सभी कार्यकर्ता और लाइव माध्यम से जुड़कर देख रहे हैं। वहाँ पर LCD लग रही है तो यहाँ के कार्यकर्ता LCD के माध्यम से वहाँ जुड़े हुए और वहाँ के कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता